हेलो भाई, मैं सचिन सनसनवाल। भाई आज हम गाड़ी वगैरह का रिव्यू नहीं करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर स्कूटी के बारे में। जुपिटर स्कूटी ये भाई ने लिया अभी, मतलब ये नई तो नहीं है, बाकी नई बोल सकते हो आप इसे। तो भाई बोल रहे थे यार तू रिव्यू वगैरह करता है तो हमारी का भी कर दे, तो आज सोचा कि चलो आज बना लेते हैं इसकी एक वीडियो। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं भाई, ये स्कूटी के बारे में। बाकी अगर स्कूटी की मैं बात करूँ तो भाई ये एक्टिवा वगैरह जो भी और कंपेरिजन करूँ और स्कूटियों से इसका, तो यार ये स्कूटी काफ़ी बढ़िया लगती है। मतलब दमदार भी है और ज़बरदस्त भी है, माइलेज वगैरह हर चीज़ में, और मतलब लुक्स भी काफ़ी सही लगती है इसकी। दमदार स्कूटी है TVS की। अगर भाई मैं इसके इंजन की बात करूँ तो 109 cc का इसमें इंजन आता है जो पावर प्रोड्यूस करता है, 7.88 bhp की पावर और 8.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कंपनी इसमें माइलेज क्लेम करती है 64 ke mpl का इसका माइलेज क्लेम करती है। बाकी ये भाई माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई से पूछा था, वो बता रहे थे कि 67 तक और 67-68 तक ये माइलेज दे देती है। अगर बात करें इसके फ्रंट से तो ऐसी भाई ये लगती है, इसमें नॉर्मल बल्ब भी मिलता है भाई। स्टैंडर्ड मॉडल है ये, स्टैंडर्ड मॉडल है इसका, ये जुपिटर में स्टैंडर्ड मॉडल है। इसमें कई मॉडल्स आते हैं, बाकी आज ये जो देख रहे हो ये स्टैंडर्ड मॉडल है। बाकी ऐसी कुछ इसकी नॉर्मल बल्ब के साथ ही इसकी ये आती है हेडलाइट्स। बाकी एक बड़ा बल्ब मिल जाता है, यहाँ छोटे छोटे दो बल्ब आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे से। बाकी ये इसका कलर है, काफ़ी सही लग रहा है, मतलब प्यारा लग रहा है इसका ये कलर है। बाकी कुछ ऐसी ये लगती है आगे से भाई, इधर आपको TVS की बैजिंग मिल जाएगी। बाकी ये स्कूटी अब नई लॉन्च हो गई है, TVS जुपिटर अब नई आने लगी है, और भाई वो नई भी काफ़ी मस्त है यार। मतलब मैंने देखे हैं रिव्यू वगैरह देखे हैं उसके, वो भी काफ़ी अच्छी है स्कूटी। बाकी ये भी अच्छी है यार, ये अभी लॉन्च हुई है, वो तो पहले यही आती थी। बाकी ऐसे कुछ इसमें ये स्टील मिल जाती है क्रोम की, ऐसे कुछ आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो ऐसी कुछ भाई ये यहाँ पे ग्रिल सी पता नहीं क्या मिल जाती है हवा वगैरह के लिए। तो ऐसी कुछ ये आगे से लगती है भाई स्कूटी, ऐसे कुछ यहाँ पे ग्रिल सी मिल जाती है, ऐसे कुछ ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं इसमें अलॉय व्हील के साथ, ऐसे कुछ ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है यहाँ पे, कुछ ये मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर टाइप से। तो बाकी साइड से कुछ ऐसी लगती है भाई स्कूटी। यार स्कूटी काफ़ी सही लगती है, मतलब दमदार स्कूटी है, इसको चलाने में काफ़ी सही लगता है। मतलब ये यहाँ पे जुपिटर की बैजिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप की लगा के ही इसको, यहाँ पे अगर की लगाएंगे तो इधर आपको फ्यूल टैंक खुल जाएगा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, अगर मैं इसको इधर करूँगा इधर की तरफ तो देखिए ये खुल जाएगा ये वाला। अगर मैं इधर करूँगा तो इसका बूट खुल जाता है। बाकी ऐसी कुछ लगती है साइड से, यहाँ पे ये पैर रखने के लिए मिल जाता है आपको, ये पीछे से कुछ ऐसी लगती है, यहाँ पे जुपिटर मिल जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसी पकड़ने के लिए मिल जाती है, ये कुछ ऐसी ग्रिल सी मिल जाती है इसमें, ये पीछे इंडिकेटर मिल जाते हैं, ऐसी कुछ टेल लाइट्स मिल जाती है इसकी, ये पीछे कुछ नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर सा मिल जाता है, ऐसा कुछ इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप लगता है। बाकी यहाँ पे क्रोम मिल जाती है और CVTi की बैजिंग इधर मिल जाएगी, ऐसा कुछ इंजन कंपार्टमेंट लगता है इसका। बाकी ऐसी कुछ सीट लगती है TVS की, काफ़ी कंफर्टेबल सीट इसकी मिल जाती है। बाकी ऐसी कुछ इसमें की मिलती है भाई, एक बार चलिए इसको ऑन करते हैं तो भाई कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगता है आपको। बाकी एक बार मैं इसको ऑन ही कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भाई इसका मीटर लगता है आपको, देख सकते हो यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाएगा, आप इको पावर और ये वार्निंग वगैरह के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे ये फ्यूल वगैरह के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे ये हेडलाइट्स के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे ये पास वगैरह के लिए, कोई मतलब पास वगैरह देने के लिए, डिपर वगैरह के लिए, यहाँ पे हॉर्न के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे इंडिकेटर के लिए, यहाँ पे ये सेल्फ वगैरह मिल जाएगा, ऐसे कुछ दो शीशे मिल जाते हैं आपको, देख सकते हो आप। बाकी यहाँ से कुछ ऐसी लगती है स्कूटी, यहाँ पर कुछ वार्निंग मिल जाती है, तो ऐसी कुछ लगती है ओवरऑल भाई स्कूटी। यार काफ़ी सही लगती है। बाकी यार सबसे ज़बरदस्त बात यार ये स्कूटी की, मतलब प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है यार, बहुत हाई है। मतलब इसकी नहीं, जितनी भी स्कूटी आती है एक्टिवा वगैरह होंडा की, बहुत ज़्यादा प्राइस है यार इसका। मतलब इसका मैं ऑन रोड प्राइस आपको बताऊँ फ़िलहाल तो इसका है मतलब 80,000 के लगभग इसका ऑन रोड प्राइसिंग है भाई, 80,000 के समथिंग इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है, 80-82,000 तक इसकी ऑन रोड प्राइसिंग जाती है यार, बहुत ज़्यादा हाई रहोगे इनके रेट। मतलब
पर यार स्कूटी मतलब सही है यार, स्कूटी मतलब कोई भी मतलब किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं होती बाइक पे। जैसे बाइक है कुछ लेके आना, सिलेंडर वगैरह लेके आना या कुछ सामान लेके आना, तो मतलब दूसरे बंदे की जरूरत होती है यार, मतलब पीछे पकड़ने वाला। इस पे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मतलब आगे रख लो सामान, सिलेंडर वगैरह कुछ भी रख लो आगे, पीछे इसमें मतलब कि इसके उसमें डिग्गी वगैरह में कुछ भी रख लो, मतलब ये चीज़ सही लगती है मुझे स्कूटी की। मतलब किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं होती, मतलब कुछ भी सामान लाओ अपना आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई ऐसी लगती है स्कूटी, देख सकते हो आप। बाकी अगर आप ले रहे हो जुपिटर खरीदने का प्लान बना रहे हो, तो भाई अब तो नई लॉन्च हो गई है जुपिटर। अगर आप सेकंड हैंड ये भी देख रहे हो, तो भाई ये स्कूटी भी काफ़ी दमदार है, मतलब एकदम बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त स्कूटी है यार ये। मतलब ये पावर वाइज बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इसकी पावर ये मतलब ये एक्टिवा वगैरह जो और भी स्कूटी आती हैं, फसीनो वसीनो मतलब और बहुत सारी स्कूटी आती हैं यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। पर बाकी भाई मैं सारी स्कूटी के बारे में बात करूं और मतलब इसके बारे में बात करूं, तो इसकी पावर बहुत ज़बरदस्त है भाई, और सबसे मतलब इसमें पावर बहुत ज़्यादा मिलती है स्कूटी में ना, काफ़ी दमदार स्कूटी है ये। और मतलब आप सेकंड हैंड इसको ख़रीदने की सोच रहे हो, तो भाई ख़रीद सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, राइट चॉइस है। या पिकअप वगैरह से भी मतलब खूब ज़बरदस्त स्कूटी है भाई, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सर्विस कॉस्ट वगैरह सब एकदम ओके है। और मतलब इसका यार वो क्या बोलते हैं, इसका माइलेज वगैरह भी काफ़ी सही है स्कूटी का, और मतलब सही है, हैवीनेस भी फील होती है इसमें। तो भाई ऐसा ही कुछ इसका रिव्यू था, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये स्कूटी लेनी है या फिर आपको ये स्कूटी अच्छी लगती है, तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी ऐसा ही कुछ रिव्यू था, चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई अगर आपको कोई और स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह या फिर कोई गाड़ी के बारे में मतलब कोई जानकारी चाहिए, कोई वीडियो आप पर्सनली बनवाना चाहते हो कि भाई उसके बारे में बनाओ, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।